गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स, दिस इज इंग्लिश पीरियड। टुडे वी विल लर्न फिल द ब्लैंक्स एंड जंबल वर्ड्स, हाउ टू अरेंज आवर वर्ड्स इन प्रॉपर। ओके, राइट डाउन टुडे इज डेट। Write down this date in your notebook. Now question first. How many vowels are there? How many vowels are there? Write that. Do you know how many vowels are there? You all know there are 5 vowels: A, E, I, O, U. How many vowels are there? First question. And can you change the answer? 5. How many vowels are there? There are 5 vowels. Next question. Write them. Write them. Uska naam batao. Letters, which letters are there? A, E, I, O, U. How many vowels are there? Write it. How many vowels are there? 5. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 की स्पेलिंग भी लिख सकते हैं हम, और 5 भी लिख सकते हैं। कौन कौन से? A, E, I, O, U. ओके, आपको लर्न रखना है वोवेल साउंड वर्ड्स 5, नॉन वोवेल साउंड वर्ड्स 20. ओके, नाउ क्वेश्चन 2. राइट आई एंड ए इन these words. Write I and A. किसी में आपको I लिखना होगा, किसी में A लिखना होगा, लेकिन किस में ये आपको स्पेलिंग देख के पता लगाना है कि मुझे किसमें I फिल करना है, किसमें A फिल करना है. Write I and A in these words. I'm writing some words. C-M-E-L किसकी स्पेलिंग है? आई डोंट नो. K-N-G मुझे नहीं पता किसकी स्पेलिंग है, यू हैव टू फाइंड आउट. ये भी सबको पता है, डबल पी एल ई, एप्पल.
मेल, मेल मीन्स गुरु। इस तरह से आप जो भी लेटर आपको दिया जाता है उसको आप फिल करके देखेंगे, उसका प्रॉपर वर्ड बनना चाहिए। ये नहीं आप इसमें आई लगा दिया या ए लगा दिया तो आपका वर्ड नहीं बनेगा। मैंने यहाँ ए लगाया तो केवल बना, आई लगाया तो क्यों बना, आई लगाया तो लिटिल बना, ए लगाया तो बनाना, ए लगाया तो एप्पल, आई लगाया तो मैं। अगर मैं इसको उल्टा सीधा लगा देती ए लगा तो मैल, आई लगा तो इक्वल, इक्वल कुछ भी नहीं। अगर आई लगा बीनाना, बीनाना भी नहीं है। तो आपको पहले इन दोनों लेटर्स को लगाकर देखना है कि कौन सा सही हो सकता है, तभी हम उसे लगाएंगे, क्योंकि हमें प्रॉपर वर्ड चाहिए। क्वेश्चन राइट करेक्ट वर्ड write correct word from the following jumbled words. Write correct word from the following jumbled words. कुछ वर्ड्स मैंने लिखे उल्टे से, उसको आपको सही करके लिखना है बस। जैसे मैं बताती हूँ आपको, ए बी टी, ए बी टी कोई वर्ड है? ए बी टी नो, फैक्ट स्पेलिंग इसकी क्या होनी चाहिए? बी ए टी बैट। मैंने ए बी टी लिख दिया उल्टा सीधा जंबल, तो आपको उसको जमा के लिखना है। जैसे मैं लिखा ओ बी ओ के, ओ बी ओ के कोई वर्ड नहीं बन रहा है। मैं अगर इसको सही अरेंज करूंगी तो क्या बनेगा? पोक, बी डबल ओ के पोक, है ना। इसी तरह से आई एन पी कोई वर्ड नहीं है। अगर मैं इसको अरेंज कर दूं क्या बन जाएगा? पी आई एन पी, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? ऐसे एक और वर्ड दे रही हूँ आपको, सिंपल सा वर्ड है, ओ जी डी, ओ जी डी, पी ओ जी डॉग। ओ जी डी को मैंने अगर अरेंज किया तो क्या बन गया? दो। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर, फाइव। राइट दे उनको लिखिए, ए ई आई ओ, राइट आई एंड ए इन दिस वर्ड्स। इन वर्ड्स में आपको आई और ए लगाना है। राइट करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग जंबल, जंबल मतलब उल्टे सीधे, ए बी टी बैट, ओ बी ओ के बुक, आई एन पी पेन, ओ जी डी डॉग। ये सारा वर्क अपनी नोटबुक में करिए, अच्छे सुंदर हैंडराइटिंग में करेंगे हम लोग। आप अच्छे सुंदर हैंडराइटिंग में इसको लिख करके देखेंगे, जमा करके लिखेंगे। ओके okay?